सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रैक्टिकल आयुर्वेदा पे। आज मैं आपको बहुत से भाइयों की फरमाइश पर सफ़ेद बालों को काला करने के लिए एक योग बता रहा हूँ, जो कि मैंने खुद भी स्टार्ट किया है। अभी मेरे सफ़ेद बाल हैं, तो धीरे धीरे अगर 5-6 महीने इसको इस्तेमाल करोगे तो धीरे धीरे आपके बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे। लेकिन आपके आपने इसको लगातार इस्तेमाल करना है, बीच में कोई गैप नहीं डालना। तो आप इसके लिए नोट कर लें, इसके लिए आपने लेना है बादाम रोगन 50 ml, काहू रोगन 50 ml, कद्दू रोगन 50 ml, खसखस रोगन 50 ml, गुल रोगन 50 ml। तो ये रोगन जो है ये सभी आपको हमदर्द कंपनी के या न्यू शमा के मिल जाएंगे आसानी से। आंवला रोगन, रोगन तेल को ही बोला जाता है, यूनानी का शब्द है तो तेल को रोगन बोला जाता है। तो रोगन आंवला 250 mg, यानी 250 ml। दूसरे बादाम रोगन हो गया, कद्दू रोगन हो गया, काहू रोगन हो गया, खसखस रोगन हो गया, गुल रोगन हो गया, ये पांचों 50-50 ml। और आंवले का रोगन 250 ml। तो ये आपका आधा लीटर तेल तैयार हो गया। अब इसको मालिश कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आंवला, रीठा और शिक्का काई तीनों को आप रात को भिगो के रख दें, और सुबह इसमें थोड़ी दही मिला के तो इस पेस्ट को लगाकर 1 घंटा रख लें। और उसके बाद इसको सिर को धो लें आप अच्छे तरीके से, साबुन शैम्पू केमिकल कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद जो ऊपर मैंने तेल बताया है, जो मिश्रण बताया है, इसकी अच्छे तरीके से मालिश करें। तो ये हो गया पहला प्रोसेस आपका। अभी दूसरा प्रोसेस है खाने वाली दवाइयाँ। इसमें आपने लेनी है मोती पिष्टी 10 ग्राम, भृंगराज चूर्ण 100 ग्राम, आंवला की रसायन 100 ग्राम, और लौ भस्म सतपुटी 100 ग्राम, ताम्र भस्म 2 ग्राम। तो ये सभी औषधियाँ मिक्स कर लें। इसका आधा आधा ग्राम मात्रा इसकी आप सुबह शाम खाना खाने से पहले दूध के साथ लें। इससे क्या क्या फायदे होंगे, आँखों की रोशनी बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा, आपके शरीर में कोई कमी नहीं रहेगी, यानी कायाकल्प हो जाएगा। 2 से 3 महीने इसका इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही उत्तम योग है। और जो ऊपर मैंने लगाने वाला बताया है वो तेल लगाएं। खाने में पौष्टिक आहार, दाल सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, ये ज़्यादा से ज़्यादा लें, दूध लें। और जो फास्ट फूड है, यानी जो तली फली चीज़ें हैं, बाजार की चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड रखें, बंद रखें। तो ये नुस्खा जो है आपको बहुत ही कारगर है बालों को, सफ़ेद हुए बालों को काला करने के लिए। आप इसको यूज कर लें। मैंने जितने रोगियों को यूज करवाया सबके बाल काले हुए हैं। मैंने अभी शुरू किया है खुद भी, आपका मैं आपको इसका प्रणाम जरूर बताऊंगा। इतना आपको जरूर बोल सकता हूं कि आपका पैसा लगा हुआ ये बेकार नहीं जाएगा, आपको फायदा जरूर करेगा। रही बात मोती पिष्टी की, तो मोती पिष्टी इसमें एक महंगी वस्तु है। अगर मोती पिष्टी बनी बनाई आप लेंगे बाजार से तो आपको कम से कम 4,500 रुपये, 5,000 की पड़ेगी। तो इसका सस्ता इसको मोती पिष्टी भी असली मिल जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी। तो आप मोती ले लें जो कि 1,200 रुपये के 10 ग्राम आपको मिल जाएंगे, और उनको गर्म पानी में उनको थोड़ा बॉयल कर लें मंद मंद आग पे, फिर उनको धूप में सुखा के अच्छे तरीके से उनको बारीक पीस लें थोड़ा थोड़ा। इसमें आप गुलाब जल डालते जाएं तो आपका जो है ये मोती पिष्टी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। 4-5 दिन इसको अच्छे तरीके से खरल कर लें तो ये मोती पिष्टी आपकी तैयार मिलेगी। तो इस विधि से इसको मोती पिष्टी को डालें आप, जैसे हमने भृंगराज चूर्ण आंवला की रसायन लौ भस्म ताम्र भस्म, ये योग में मोती पिष्टी आप ये अपनी बनाई हुई 10 ग्राम डाल लें तो सस्ती भी पड़ेगी, फायदा भी करेगी। तो अभी हर रोज एक वीडियो डाला करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भाई नए आए हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो इजाज़त दीजिए, कल फिर कोई नया वीडियो लेके आपके समक्ष जरूर हाजिर होंगे। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद।